वेलकम टू किशोर एकेडमी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम D1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म है HCF की। सो इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया जाता है। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज एंड D1 एंड D2 मैथमेटिक्स सोल्यूशन सब्सक्राइब किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो इस क्वेश्चन के चार पार्ट हैं, A, B, C एंड D, वो मैं वन बाय वन सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पार्ट ए है 12 एंड 30 और हमने फाइंड करना है इसका HCF। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में आपने इन दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेने हैं, ठीक है। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। देन उसके बाद 30 है, तो 30 के भी आपने इसी तरह फैक्टर मालूम कर लेने हैं। 3 10 30, 2 5 10 एंड 5 1 5। सो अब देखें, इस तरह आपने लिख लेने हैं, 12 के आपके फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 और 30 के आपके पास फैक्टर हैं 3 × 2 × 5। सो बेसिकली आपका 2 जो है ये भी कॉमन फैक्टर है और ये देखें ये 3 भी आपका कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो वो आपका HCF कहलाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आएगा 2 एंड 3। इसको रिपीट नहीं करना, ये कॉमन है तो एक ही दफ़ा लिखना है। सो 2 3 6 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 84 एंड 156, इसका आपने HCF फाइंड करना है। तो इसके मैंने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हैं, जैसे 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। इसी तरह आपने 156 के भी इस तरह प्राइम फैक्टर, इनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इन नंबर्स के आगे इनके फैक्टर्स लिख देने हैं। अब इसमें आपने कॉमन फैक्टर देखने हैं। देखें ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। तो ये आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कि अगर आप इन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप लिखेंगे 2 × 2 × 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 एंड 4 3 12 इज योर आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इनके इंडिविजुअल एलसीएम लेने की बजाय इस तरह कंबाइन भी कर सकते हैं। अब तीन टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स को मैं कर रहा हूँ 15, 60 और 75 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने ऐसा डिवाइज़र लेना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकें, जैसे 3 5 15, 3 2 6, 0 एज इट इज़ आ गया, 3 2 6, 1 इसके साथ कैरी गया 15 और 3 5 15। उसके बाद आपने 5 से इसको करना है, 5 1 5, 5 4 20 और 5 5 25। अब ये देखें ये कॉमन है जिस पे तीनों है। अब आगे जो है वो इंडिविजुअल आ जाता है, तो इसका बेसिकली जो HCF होगा वो सिर्फ ये होगा, जैसे 4 1 4, 5 1 5। तो बेसिकली इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आएगा 3 × 5, विच इज़ इक्वल टू 15 इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन डी है जिसमें 71, 91 एंड 143 है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सो दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर सिर्फ अपने नंबर पे डिवाइड होता है, तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। 177, 191 और 143, ठीक है। तो इसका बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। प्राइम नंबर चूँकि अपने नंबर पे जाता है तो उसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। सो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।